Hello friends, welcome to JP Sir Education, and in this video you will learn basics of circular arrangement or circular permutation. तो इस वीडियो में आप सर्कुलर परम्यूटेशन या सर्कुलर अरेंजमेंट के बेसिक्स सीखेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसमें फोर प्लेसेस हैं और इन फोर प्लेसेस में हमने फोर थिंग्स को फिट करना है या फोर पीपल को फिट करना है. तो कितने वेज से हम कर सकते हैं, तो ये होता है फोर फैक्टोरियल वेज, यानी फोर फैक्टोरियल परम्यूटेशंस, यानी फोर फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स. तो फोर फैक्टोरियल वेज से हम इन फोर प्लेसेस में फोर थिंग्स को रख सकते हैं. अब अगर हमारे पास सिचुएशन है सर्कुलर की, सर्कल में अगर हमें फोर थिंग्स को पुट करना है फोर प्लेसेस में, तो कितने वेज हैं, तो ये होता है फोर माइनस वन फैक्टोरियल वेज, यानी थ्री फैक्टोरियल वेज. अगर हम जनरल कंडीशन की बात करें, यानी हमारे पास n प्लेसेस में n थिंग्स को भरना है, तो हमारे पास n फैक्टोरियल होगा. यहां पे n प्लेसेस में सर्कुलर अरेंजमेंट में n प्लेसेस में n थिंग्स को फिट करना है, तो n माइनस वन फैक्टोरियल होगा. नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने यहां वन माइनस क्यों किया, व्हाई डिड वी सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम हियर. उसके लिए आपको यह जानना थोड़ा जरूरी है कि यहां फोर फैक्टोरियल क्यों आया. तो देखो यहां फोर फैक्टोरियल क्यों आया, देखो वी हैव फोर प्लेसेस और इन फोर प्लेसेस में हमने फोर पीपल को फिट करना है. सपोज दैट मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी हैं, उनको इन फोर प्लेसेस में आना है. तो कितने वे से वो इन फोर प्लेसेस में आ सकते हैं, तो देखो पहले प्लेस के लिए हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, बिकॉज फोर में से कोई भी यहां पे आ सकता है. अब एक यहां पे फिट हो गया है. अब दूसरा प्लेस जो है इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं, हमारे पास थ्री ऑप्शंस हैं. अब उसके बाद दूसरा प्लेस भी यहां फिल हो गया. तीसरे प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचे, अब दो ऑप्शन बचे, तो यहां पे भी फिल हो गया. और चौथे प्लेस के लिए हमारे पास बस एक ऑप्शन बचा, वो यहां पे आ गया एक वे से. तो टोटल जो है वो फोर फैक्टोरियल हो गया है. ओके ऑलराइट, अब मैं आपको ये समझाता हूं कि यहां पे फोर माइनस वन फैक्टोरियल क्यों आया है. उसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी. वी हैव फोर प्लेसेस और इन फोर प्लेसेस में हम भर रहे हैं ए, बी, सी और डी को. ठीक है, ये है एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम अरेंजमेंट बात करें, सिंपल जो होता है. लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर हम चार लोगों को भरें, ये ए है, बी, सी और डी, ये हो गया है. ठीक है ना, यहां तक सब क्लियर है. अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, इनको पुश करते हैं, यानी ए ने इसे पुश किया, बी ने इसे पुश किया, सी ने इसे पुश किया और डी वापस यहां पे आ गया. समझ गए आप, एक एक प्लेस पुश कर दिया उन्होंने. और सेम अगर हम यहां पे देखें, ए ने बी को पुश किया, बी ने सी को, ठीक है, सी यहां पे आ गया डी की जगह पे और डी ए की जगह पे आ गया है. तो हमारे पास ये है. अब यहां पे देखो आप, अगर हम केवल इसे और इसे देखें तो लग तो रहा है कि बिल्कुल सेम है. अगर हम वैसे सोचें कि अच्छा भाई फोर प्लेस हैं, फोर प्लेसेस में हम फोर तरह से बैठा सकते हैं, वैसे तो बिल्कुल जैसा ये है वैसा ये लग रहा है. लेकिन अब एक चीज नोटिस करो आप, अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट अरेंजमेंट है. ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है. बट माई डियर, दीज टू आर सेम अरेंजमेंट, एबीसीडी, एबीसीडी. अगर आप यहां पे बैठ के देखें तो बिल्कुल वैसे ही आपको लगेगा जैसे कि यहां पे बैठ के आपको फील होगा, जिस तरह से लोग आपके आसपास बैठे हैं. एक और यहां पे, अब इसके बाद फिर करते हैं, दोबारा पुश करते हैं. ठीक है, एक एक प्लेस, यानी बी, अब यहां ए यहां पे आ गया, बी यहां पे आ गया, सी यहां पे आ गया, डी यहां पे आ गया. ठीक है ना, फिर एक एक प्लेस और बाद में चले गए हैं. ऐसे यहां पे हो गया है, डी इधर आ गया है, ए इधर आ गया है, बी इधर आ गया है और सी इधर आ गया है. ठीक है, अब देखो ये एकदम नया अरेंजमेंट बन गया है, बट ये अभी भी सेम अरेंजमेंट है. जैसा ये है आप यहां से अगर देखेंगे तो बिल्कुल सेम लगेगा, जैसा ये है वैसा ये भी सेम है. और एक और लास्ट, यहां पे फिर वही हुआ है, यानी इसने इसे पुश किया, बी यहां पे आ गया, ठीक है, और सी यहां पे आ गया, डी यहां पे आ गया. अंडरस्टैंड, और यहां फिर वैसे ही हुआ है, यानी ए ने बी को पुश किया तो ए यहां पे आ गया, बी ने सी को पुश किया तो बी यहां पे आ गया, सी ने डी को पुश किया और डी ने ए को पुश किया. ठीक है, बिल्कुल अगेन हमें एकदम नया मिला है,
बट ये फिर से दोबारा से हमें एक और बार हमें सेम मिल गया है। अब अगर हम दोबारा से अगर अगली लाइन पे जाएंगे और हम इसको इसे पुश करेंगे, ये इसे पुश करेगा, ये इसे पुश करेगा और ये वापस यहां पे आ जाएगा, तो आपको दोबारा से सेम चीज मिल जाएगी। लेकिन अब आप नोटिस करेंगे यहां पे हमें चार डिफरेंट अरेंजमेंट मिले, लेकिन ये बिल्कुल सेम है, यानी ये चीज 4 टाइम्स ज्यादा होती है। तो जब आपको यहां निकालना है तो आपको 4 फैक्टोरियल में 4 का डिवाइड करना होगा और वो आएगा 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से जब हमारे पास यहां एन फैक्टोरियल है और आप सर्कुलर में एन लोगों को आप फिट करेंगे, तो आपको एन फैक्टोरियल में एन का डिवाइड करना होगा और जो कि आ जाता है n-1 फैक्टोरियल। ओके, तो आई होप आपको यहां पे समझ आ गया होगा कि व्हाई डू वी हैव दिस फॉर्मूला। अब 2 क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन बेसिक है, एक सर्कुलर टेबल है और इसमें हमें 6 पोजीशंस में 6 पीपल को बैठाना है, कितने वेज हैं। तो सिंपली नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे यहां पे 6-1 फैक्टोरियल एंड दैट इज 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। नाउ वी हैव 4 मैन एंड 4 विमेन और उनको हमने सर्कुलर टेबल में इस तरह से बैठाना है कि ना तो 2 मैन एक साथ बैठे और ना 2 विमेन एक साथ बैठे, इस तरह से हमने बैठाना है। तो कितने, हाउ मेनी वेज आर देयर। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 मैन को बैठाएंगे। तो 4 मैन एक यहां पे बैठ गया, मतलब हमारे पास मान लो कि ये 4 पोजीशंस पे हमने 4 मैन को बैठाना है, तो टोटल कितने वेज होंगे। तो बताया था ना सर्कुलर अरेंजमेंट में, तो ये हो जाएगा 4-1 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल। अब बात करते हैं इन 4 पोजीशंस की। देखो अब ये 4 यहां पे ऑलरेडी फिट हो गए हैं, नाउ वी हैव दीज पोजिशंस। तो अब हम सिंपली देखेंगे कि 4 पोजीशंस में कितने बैठेंगे, तो ये हो जाएगा 4 पोजीशंस में 4 लोग 4 तरह से फैक्टोरियल वेज से बैठेंगे। ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको 3 फैक्टोरियल मत कर देना, बिकॉज अब ये ऐसा हिसाब किताब है कि अगर जैसे रोटेट करेगा तो वो हमें नया मिलेगा, दैट विल बी अ न्यू अरेंजमेंट। ठीक है, यानी इस केस में ऐसा नहीं है, जब सब एक जैसे हैं अगर वो घूम भी जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सोचो यहां पे कि ये ए बी सी डी बैठे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, और वहां पे जो फीमेल है KLMN, अब आप सोचो ए बी सी डी अपनी जगह पे फिक्स हैं, लेकिन KLMN अगर मूव करते हैं, यानी अगर K यहां पे आता है और L यहां पे आता है, M यहां पे और N यहां पे, तो वी विल गेट अ वेरी न्यू अरेंजमेंट हेयर। इसलिए यहां पे पूरा 4 फैक्टोरियल आएगा और द आंसर इज 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल एंड दैट इज लाइक 6 इंटू 24, दैट इज 144। ठीक है, आप चाहो तो पहले 4 विमेन को बिठा सकते थे, फिर 4 मैन को आंसर सेम आता। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।